हेलो, सभी सज्जनों को सादर अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम और शुभाशीष। सज्जनों, मैं आपको इतने दिन से हल्द्वानी का मौसम दिखा रही हूँ। आज देखिए, आप सुंदर धूप है और जो हल्द्वानी से प्रेम करता है या यहाँ का रहने वाला है या बाहर आप लोग रहते हैं तो आप मेरी वीडियो को देखिए। मैं आपको हल्द्वानी के मौसम के बारे में और भी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगी। प्लीज़ मेरे साथ बने ही रहे और मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको यहाँ पर भवन निर्माण के बारे में भी बताऊंगी, किस तरह के यहाँ पर मकान बनते हैं और बना रहे हैं लोग। अलग अलग क्वालिटी के बन रहे हैं, सभी प्रकार के भवन बन रहे हैं और काफ़ी विकास यहाँ पर हो रहा है। विकास ये हो रहा है कि जो प्लॉट लोगों ने खरीदे हैं उसमें सब लोग अपने अपने मकान बना रहे हैं, पहाड़ छोड़ कर के यहाँ मैदान में आ रहे हैं एक छोटी सी जगह में रहने के लिए। अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी को छोड़ कर के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसका कारण यह है कि पहाड़ में कोई सुविधा नहीं है, ना रोड है, ना अस्पताल है, ना दुकानें हैं, ना किसी प्रकार के भी कोई, ना शिक्षा, ना संसाधन, किसी प्रकार की भी सुविधा वहाँ पर नहीं है, बहुत कम है, लो क्वालिटी का है।